दिस इज़ योर इन्वायरमेंटल स्टडीज स्टूडेंट्स. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 माई फैमिली. बेटा फैमिली के बारे में सब जानते हो. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली. जहाँ आप और आपके माता पिता रहते हैं वो फैमिली होती है. वी लिव विद अवर फैमिली इन अवर होम. हम अपने फैमिली के साथ परिवार के साथ कहाँ रहते हैं, अपने घर में. पेज द फोटोग्राफ ऑफ योर फैमिली मेम्बर इन दिस फ्रेम्स. ये बेटा फ्रेम्स गिवन है. फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर. यहाँ पे आपको बेटा क्या है, इन फ्रेम में फ़ोटो पेस्ट करनी है अपने फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और सिस्टर की. राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम. और आपको सेंटेंस राइट करने हैं कि माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडमदर. टाइप ऑफ फैमिलीज. अब बेटा यहाँ हम टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ेंगे. व्हेन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन स्टे टुगेदर इन अ हाउस इट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. जहाँ बेटा पेरेंट्स और चिल्ड्रन बच्चे साथ रहते हैं वो होती है न्यूक्लियर फैमिली. अ न्यूक्लियर फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल. न्यूक्लियर फैमिली बेटा बिग भी हो सकती है और स्मॉल भी. स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, बिग न्यूक्लियर फैमिली. व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स parents and their children stay together in a house, it is called a joint family. बेटा क्या होता है, जब grandparents, parents जैसे दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे एक साथ घर में रहते हैं तो वो होती है joint family. A joint family can also be big or small. और joint family भी बेटा big भी हो सकती है, small भी हो सकती है. In a big joint family, grandparents, parents, children, aunts, uncles and cousins all live together in same house. बेटा देखो small big family है तो सिर्फ grandfather, grandmother और parents, मम्मी पापा और बच्चे एक साथ रहते हैं तो वो है small joint family. अगर big है तो उसमें क्या होता है, uncle, auntie और हमारे उनके बच्चे सब एक घर में रहते हैं, वो होती है big joint family. Our relations. Father parents are called parental grandparents. Mother parents are our maternal grandparents. अब देखो बेटा parental grandparents दादा एंड दादी, maternal grandparents नाना और नानी. Father and mother is sister called aunt. चाहे बेटा father की sister हो चाहे mother की sister, उसे हम कहते हैं aunt. Father या brother, mother, brother is called uncle. चाहे बेटा फादर का ब्रदर हो या मदर का ब्रदर हो, उसे हम कहते हैं अंकल. चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट आर कॉल्ड कज़न. अब बेटा जो इनके बच्चे होते हैं उन्हें हम कज़न कहते हैं. रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स. एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रोल. पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द होम एंड ऑल द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. Father earn money for the family. He take care of all the needs of the family. He help the children in their studies. अब बेटा क्या है कि फैमिली के हर मेंबर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. पेरेंट्स क्या होते हैं, टेक केयर करते हैं होम की और बच्चों की जो भी ज़रूरत होती है. फादर क्या करते हैं, अर्न मनी करते हैं फैमिली के लिए, पैसा कमाते हैं और अपने फैमिली की सारी नीड्स, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अपने स्टूडेंट की, अपने बच्चों की हेल्प करते हैं. किस में, स्टडीज़ में. मदर टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ ईच फैमिली. और मदर क्या करती है, फैमिली के हर मेंबर की ज़रूरत का ध्यान रखती हैं. सी कुक फूड, वो खाना बनाती हैं. वॉशेज क्लॉथ, कपड़े धोती हैं. एंड टेक्स केयर ऑफ एंटायर हाउस होल्ड. और जो सारे काम होते हैं उनको भी वो पूरा करती हैं. In a family, children also have certain duties to perform. अब बेटा हर फैमिली में बच्चे भी कुछ ड्यूटीज़ करते हैं. They should help the mother in the kitchen. बच्चे मदर की हेल्प करते हैं किचन में. They should help in keeping the house clean. घर को साफ रखने में हेल्प करते हैं. They can do small job like bringing things from the nearby market. और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो आसपास मार्केट होती है वहाँ से सामान लाने का काम भी करते हैं. दे कैन लुक आफ्टर द प्लांट. और पेड़ पौधे भी देखते हैं. दे शुड टेक केयर ऑफ देयर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. और अपने छोटे भाई बहनों की भी देखभाल करते हैं.
पेरेंट्स फील हैप्पी व्हेन देयर चिल्ड्रन हेल्प देम, और पेरेंट्स हमेशा खुश होते हैं जब बच्चे उनकी हेल्प करते हैं।